बस ये मैं पकड़ लूँ इसको। ओके मैं चूक गया। ओए हेलो गेमर्स एंड वेलकम बैक टू वडीबियास गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व रैग्नारॉक। तो यस गाइस, वापस आ चुके हैं हम इस अमेजिंग गेम में। और बहुत दिन हो गया मेरे को इसको खेले, ठीक है। और जो पिछला एपिसोड डाला था ना, वो प्री रिकॉर्डेड था, यानी पहले रिकॉर्ड कर रखा था मैंने, तो यार वही मैंने डाल दिया। उसके बाद भाई मैं तकरीबन 2 हफ्ते बाद खेलने जा रहा हूँ इस गेम को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मैं भूल भी गया हूँ कि क्या क्या मैंने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। वैसे मैं मॉस्टअप को लेकर यहाँ पे आया था क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप गिर रहा था, और या पता नहीं वो ड्रॉप पता नहीं कहाँ चला गया। पिंक कलर का ड्रॉप था, ठीक है, आई थिंक वो चला गया ड्रॉप, कोई बात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। तुम वहाँ सामने देख सकते हो, मेरा घर दिखाई दे रहा होगा तुमको, वहाँ भी जा रहे हैं हम लोग। और भाई ये इतना स्लो चलता है ना यार, क्या ही बोलूँ भाई, तू मेरे को फॉलो कर। और या हम आयरन एज में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास आयरन के टूल्स सभी मौजूद हैं, मैंने बना लिए हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये हैचेट, पिकेक्स, और ये भी कहते हैं ट्रांक एरो, और ये सब बना लिया मैंने, ठीक है। ट्रांक एरो हमको चाहिए था दरअसल, जो कि हमने आई थिंक लास्ट वाले एपिसोड में बना लिया था ना, आई थिंक सो, ठीक है, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने बना लिया था। मुझे ना इस एपिसोड में दरअसल एक ट्राई पकड़ना है और एक फ्लायर पकड़ना है, ठीक है। आई डोंट नो कि फ्लायर, ओके फ्लायर फ्लायर ठीक है पकड़ेंगे, लेकिन ये यार 135 लेवल का ट्राइसेराटॉप्स है। ओके 135 है यार, इतने अच्छे लेवल के ट्राइसेराटॉप्स है ना यहाँ पे, भाई साहब क्या ही करेंगे। 135 भी कम है यार, 150 का खोजूंगा। और जैसा कि तुमको पता नहीं हो तो बता दूँ, 150 जो होता है ना सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ये वाले पकड़े थे हमने कुछ डायनासोर लास्ट वाले एपिसोड में। तो तुम में से बहुत लोग हंस रहे थे कि भाई तुमने 4 फाउंडेशन रख दी है और उसको तुम घर बोल रहे हो, ठीक है। तो हाँ सुनो भाई, ठीक है, मैं तुमको घर दिखाता हूँ। पहले उससे पहले इसको मैं अरे यार मैं पता है भूल चुका हूँ थोड़े से कंट्रोल, ठीक है, स्टॉप ऑल कर देते हैं। और हाँ ये पैगोम एस्टेक था, ये चोर होता है ना भाई, ये चोरी कर रहा था तो ये टेम हो गया मेरे से गलती से, ठीक है। तो इधर चलते हैं, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है क्योंकि हम एस प्लस का यूज़ कर रहे हैं दरवाज़ा, ठीक है। तो ये देखो मैंने दरवाज़ा मस्त बनाया है, और ये ना मैं ऊपर से खुला छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैंने काम नहीं किया ऊपर से क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो तुम लोग बताना मेरे को कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। इधर हमारा स्टोरेज है, मास स्टोरेज, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। इधर हम लोग खाना वाना पका सकते हैं, यहाँ पे हम अब हमारे मोटर पिस्टल है तो चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे फ्रिज हैं, ठीक है, ये वाली अभी फ्रिज हैं लकड़ी वाले, ठीक है, जो भी होते हैं इसमें हम खाना प्रिजर्व कर सकते हैं अपना। इधर और स्टोरेज हैं, इधर अपने मेटल मेटल वर्क्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम रिफाइनिंग फोर्ज है अपना, इधर स्मिदी है अपनी, तो इधर हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बना सकते हैं आराम से। एंड लेट्स गो, ये सब डाल देते हैं। फालतू की चीज़ें मिल गई थी मेरे को ड्रॉप से, ड्रॉप लूट रहा था मैं कुछ, ठीक है। तो ये हमारा FMK टेबल है जो यहीं पे रहेगा। और या आज हम जाने वाले हैं थोड़ा सा फ्लायर पकड़ने, क्योंकि फ्लायर पकड़ के मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे आसपास है क्या चीज़ें, ठीक है। और इसीलिए मुझे एक टेराडॉन चाहिए, ठीक है, अच्छे लेवल की, कम से कम भाई 150 लेवल की तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उससे कम लेवल की नहीं नहीं चलेगी, ठीक है। तो या ये क्या चीज़ है भाई। ओके हाइनाडॉन, व्हाट द हेल, लेवल 25 का हाइनाडॉन, क्या हम इसको पकड़ें? शुड वी ट्राई टू कैच हिम? यस यस यस, आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक हाइनाडॉन, इसको हमें बेहोश करना पड़ेगा क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो यार, हाइनाडॉन को कैसे पकड़ते हैं, बेहोश करना पड़ेगा क्या? क्योंकि एक बार मैं करने की कोशिश कर रहा था, बेहोश किया था मैंने उसको, तो यार नहीं पकड़ में आया था वो, ठीक है। बहुत दिन हो गया मेरे को हाइनाडॉन, मैं ट्राई कर रहा था पर नहीं हो पाया था मेरे से। एक बार ट्राई करते हैं, अगर मीट अगर खिला सकते हैं उसको तो पता नहीं, आई थिंक ये पैसिव टेम होते हैं, ठीक है। वैसे अटैक करेगा मेरे ऊपर, मुझे पता है। कहाँ गया भाई? ये रहा देखो। ओके ओके ओके, ओए भाग रहा है, भाग रहा है मेरे से, भाग रहा है, भाग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। भाभी भाग क्यों रहा है भाई, रुक जा, रुक रुक तेरी भैंस के, रुक, कुछ खा ले, अबे कुछ खा ले, कुछ नहीं कर रहा मैं। ओए शिट, सॉरी, अबे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मारना नहीं था, मारना नहीं था, शिट। अबे यार मैंने मार क्यों दिया इसको, अरे कुछ नहीं कर रहा भाई, प्लीज 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 डॉगी प्लीज। अरे यार ये पानी में कहाँ जा रहा है भाई, अबे यार लग रहा है अभी टेम भी नहीं होगा।
बिकॉज मैंने इसको एक घूसा मार दिया गलती से। दरअसल ना हमको इनको पेट करना होता है, ठीक है, तो उसी से ये टेम हो जाते हैं। पर यार मैंने इसको घूसा मार दिया, पता नहीं होगा भी कि नहीं, आई डोंट थिंक कि होगा ये। अबे यार शिट मैन, यार एक डॉग ही हो जाता अपने पास प्यारा सा यार, छोटा सा भाई। प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज टेम हो जा यार, टेम हो जा, टेम हो जा। ओके रुक जाओ, ओके नहीं खाता ये, नहीं खाता। शिट, जाने तो यार छोड़ो, क्या पता हम दूर चले जाए ना थोड़ा, तो थोड़ा ये शांत हो जाए, ठीक है। तो स्टॉप ऑल करते हैं, लेट्स गो फ्लायर अपना ढूंढने चलते हैं आज, और इन सबको यहीं पे छोड़ देते हैं। और हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, हम पहुँच चुके हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे, ठीक है। यानी ये सब घर वर बनाते हैं उनमें ना, मेरे को बहुत सारा लेवल मिल गया था, तो हम आ चुके हैं अभी आई थिंक 40 कुछ लेवल पे, हाँ 45 लेवल पे आ चुके हैं। तो या मेटल चीज़ें हमारी अनलॉक हो चुकी हैं, ठीक है। हम और मेटल भाई यहाँ पे ना भर भर के है, मतलब किसी भी यहाँ पे चले जाना ऊपर किसी पहाड़ी पे भाई, तुम्हें मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल की हमें कमी नहीं होने वाली कहीं पे भी इस मैप में, ठीक है, क्योंकि हर जगह भाई भर भर के मेटल है। और या मुझे मतलब बस जाना है वहाँ पे, कलेक्ट करना है और आ जाना है। और अपने पास अगर फ्लायर होगा ना लाइक अर्जेंट एविस, तो हम ज़्यादा मेटल कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक हमें कुछ करना पड़ेगा, अर्जेंट एविस तो अभी नहीं टेम कर सकते क्योंकि वो डेंजरस जगह पे रहती है, और मुझे देखना पड़ेगा कहाँ डेंजरस उस जगह है वो। आई थिंक ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टेराडॉन है, ओके एक मिनट, ये हाइनाडॉन को लिखा रहा है इस पे, ये टेराडॉन हाइनाडॉन कब से बन गई। ओके तो ये है 20 लेवल, छी 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 भाई, इतनी गंदी टेराडॉन क्यों दिखा रहे हो हमको, कम से कम यार 140 150 लेवल की हो तो भाई मजा ही आ जाए। ओके तो गाइस अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज यार वीडियो देख लो लास्ट वाली जाके, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी उसको वीडियो, पता नहीं यार तुम लोग रेड डेड रिडेम्पशन को नहीं देख रहे यार, कितना तगड़ा गेम है भाई, एकदम प्यार हो गया मेरे को उससे, और तुम लोग देख नहीं रहे हो उसको, ये 60 लेवल का है, व्हाट द हेल। ओके गाइस तो टेराडोन अभी तक हमको नहीं मिली है, लेकिन ये लास्ट वाले एपिसोड में मेरे को मिला था, ठीक है। यहाँ पे मैं घर बना रहा था ना तब मेरे को ये मिला था, ठीक है। तो यार ये पता है झरना है जिसके पीछे ना एक केव छुपी हुई है, मैं तुमको दिखाता हूँ भाई साहब, मजा आ गया था मेरे को यार। और भाई ये छोटी मोटी केव नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी केव है। ओके मैं थक गया हूँ यार, अबे यार ये क्या होता है मेरे साथ, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं फिर मैं तुमको ले जाता हूँ इस केव में। तो यार बहुत ज़्यादा तगड़ी केव है ये, और यहाँ पे पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो भाई ये हड्डियों का गेट है यहाँ पे तो यार बहुत तो तगड़ा होता है। और ये भैंस की यहाँ कॉम्पी वोम्पी, अयो तो तुम लोगों ने भाई बहुत जीना हराम किया था मेरा, बहुत जीना हराम किया था मेरा। अयो तू भी यार, तू भी यार। ओके गाइस तो लेट्स गो, अंदर चल के दिखा देता हूँ मैं तुमको, बहुत बड़ी केव है। वैसे मैं गया नहीं हूँ पूरा अंदर, थोड़ा मैं बाहर से ही आ गया था, लेकिन यार ये झरने के पीछे भाई केव बहुत ज़्यादा तगड़ी जगह है, मुझे डेंजरस लग रही है ये जगह, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो कितना गहरा है या, तो देख सकते हो तुम लोग। और मेरे पास फ्लायर होता ना तो मैं आ जाता अंदर, ठीक है, लेकिन मेरे पास फ्लायर नहीं है, और अंदर शायद मछलियाँ होंगी वो पिराना विराना, तो मैं उनसे डर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मैं मर जाऊं फालतू में इधर। तो वहां पे देखो वहां पे कितने सारे हड्डियां हैं ऊपर लटकी पड़ी हैं। तो यार लेट्स गो अभी बाहर निकलते हैं हम लोग, वापस आएंगे। मैं इसलिए फ्लायर भी खोज रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अंदर आके देख सकूँ फ्लायर से कि क्या है, कैसे जाते हैं इसके अंदर, और कितना बड़ा केव है ये, क्या हम यहाँ पे बेस बना सकते हैं क्या इसके अंदर, तो वो भी मैं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बेस बना दिया ना भाई बहुत तगड़ा हो जाएगा बेस अपना, ठीक है, सबसे छुपा हुआ। वैसे कोई है नहीं इस मैप पे, मैं ही हूँ अकेला, लेकिन फिर भी छुपा हुआ रहेगा भैंस की। इन लोगों ने बहुत मारा है भाई मेरे को, बहुत मारा है 2 एपिसोड में, इसलिए बदला ले रहा हूँ मैं इनसे। ओके गाइस तो मैं भूल गया था कि मेरे पास बोलास तो है ही नहीं, ठीक है, और मैं बोलास बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। बोलास अपने पास चाहिए टेराडॉन पकड़ने के लिए, और मैं ऐसे ही चला गया था बिना बोलास के, ठीक है। तो लेट्स गो यहाँ पे बोलास को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं बोलास। ओके तो 3 बोलास बन रहे हैं, 3 बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी है, ठीक है, अपना काम हो जाएगा इससे। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मेटल वाले गन जो होते हैं ना वो भी बना लिया जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा सही रहेगा अपने को पकड़ना कोई भी चीज़, ठीक है। तो लेट्स गो, और यस मेरे को ठीक है भी ना कम बोलना है यार, मैं बहुत ज़्यादा ठीक है बोलता हूँ, तुम लोग सही बोलते हो यार, तुम लोग सही बोलते हो यार, बहुत ज़्यादा ठीक है मैं करता रहता हूँ, ठीक है। फिर किया चेट, ये मेरे को रोकना है यार, मतलब पता नहीं क्यों मेरे से पहले नहीं निकलता था यार, पता नहीं क्यों अब निकलता है इतना ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा निकलता है भाई, हर सेंटेंस एंड के, मतलब हर सेंटेंस के एंड में निकल ही जाता है ठीक है।
ठीक है भाई, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, तो ये थोड़ा कम करना है मेरे को यार। बहुत अजीब लगता है, मेरे को खुद अजीब लगता है, और मैं एडिट में काटने की कोशिश करता हूँ, पर यार मतलब इतना ज़्यादा छोटा होता है ना ये, कि भाई क्या ही करूँ। तो यार सही कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर गलत हो जाए मतलब निकल जाए तो यार थोड़ा इग्नोर मारा करो। ठीक है क्या ही कर सकते हैं, फिर बोला ठीक है ओके। तो लेट्स गो, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं जो मैंने क्रेट में से जुटा लिए थे, ठीक है, लेकिन फिर यार ठीक है ओके। तो ये मेरे को बनाना है नेक राइफल, ओके। तो ये बना लिया हमने, और इसके बाद ये वाली गन है अपने पास, क्या ये भी बना लूँ? ओके लेट्स गो, देखते हैं अपने पास कितना गन पाउडर है। गन पाउडर चाहिए हमको बुलेट्स बनाने के लिए, इसमें तो नहीं है कोई गन पाउडर, इसमें देख लेते हैं एक बार। आई डोंट नो, ओके कोल वोल है क्या मेरे पास? भाई साहब कोल चाहिए मेरे को बहुत सारा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपने पास कुछ गन पाउडर बन जाएगा, मैंने डाल दिया बनाने के लिए। आई थिंक या 100 के करीब बन जाएगा, तो अपने पास बहुत सारी बुलेट्स आ जाएंगी। तो उसको बुलेट्स को बनाने के बाद मिलता हूँ, अपने पास बोला तो आ ही गया है। ओके बोला से काम करेंगे, तब तक हम लेवल अप हो चुके हैं तो हेल्थ बढ़ा देते हैं। और आई थिंक ना हमें इसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है, इनमें भी हम जो काम की हमारी चीज़ें हैं ना वो खोलते रहते हैं, पर ऐसी चीज़ें खोलेंगे ना जिनके मतलब चीज़ें मतलब हम बना सकें, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब इसका देखो कैक्टस सैप मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, कैक्टस सैप पता नहीं कहाँ से हमको मिलेगा। ओके ये तो बना सकता हूँ ना मैं, ओके नहीं इसमें सिल्क चाहिए, सिल्क का पता नहीं कहाँ मिलता है मेरे को, ठीक है, तो ये वाला नहीं खोलूँगा मैं। विप मैंने गलती से खोल लिया था, लेकिन इसमें भी सिल्क चाहिए। तो या ऐसी चीज़ें खोजेंगे जो कि हम बना सकें। फ्लेमिंग एरो के लिए क्या चाहिए? ओके प्रोपेलेंट चाहिए हमको, प्रोपेलेंट आई डोंट नो कहाँ मिलता है, तो इसको नहीं खोलेंगे अभी के लिए। ओके मेंटिस सैडल है, ये क्या है भाई? ये विंड टरबाइन है क्या? व्हाट द हेल, अगर ये भाई मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। ओके ग्लो स्टिक, यार इसमें पता है ग्रीन जैम, ब्लू जैम, रेड जैम, पता नहीं क्यों मांगता है इतना सारा, मैं कहाँ से लाऊं भाई ग्रीन जैम ब्लू जैम, आई डोंट नो। तो या ये सब नहीं बनाएंगे, जो मतलब बन सकती है ना चीज़ें वहीं ओपन करेंगे। तो या अभी के लिए ना छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही जैसे है, और बाद में बनाएंगे। ये मैं बना सकता हूँ आई थिंक, या ये मैं बना सकता हूँ, पॉलीमर चाहिए इसके, लेकिन पॉलीमर हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है, उस वाले एज में हम पहुँचे नहीं है जहाँ पे हम पॉलीमर क्राफ्ट कर सकें। ओके हमें सिंपल बुलेट बनानी है बस। और या अपने पास मेटल की कमी है क्या? नहीं मेटल, तो मेटल मेरे पास होगा यार, बहुत सारा होगा मेटल। ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे मेटल की कमी हो चुकी है हमको, ओके मेरे को और मेटल लाना पड़ेगा फिर तो। ओके मेटल को हम बाद में देख लेंगे, रिसोर्सेज मैं ऑफलाइन में कर लूँगा इकट्ठा, अभी के लिए जो काम है ना वो करते हैं। तो अपना कितना बुलेट बन गया मैं देखने वाला हूँ, बुलेट का अच्छा ये रहा 16 बना बस, व्हाट द हेल, आई थिंक 16 से हो जाएगा, क्योंकि हमें टेरांडोन ही टेम करनी है। तो या अपनी लॉन्ग नेक राइफल निकाल लेते हैं और अपने इन्वेंट्री में लगा लेते हैं यहाँ पे। तो या हम धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम हो जाएगा सारा, और वहीं पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे। हाँ इसको मुझे वो बनाना होगा ना यार, ट्रांक डार्ट जो होता है, ओके। तो ये भी प्रॉब्लम है यार, मैं ट्रांक डार्ट आई थिंक नहीं बना सकता ना, ओके मैं ट्रांक डार्ट नहीं बना सकता। ओके गाइस आई थिंक इसमें भी नहीं बना सकते हम लोग, तो छोड़ो कोई बात नहीं है, नहीं अपने क्रॉसबो को यूज़ करते हैं हम लोग, और क्रॉसबो से ही पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके लेट्स गो पकड़ते हैं, फालतू मैंने टाइम वेस्ट कर दिया बहुत सारा। ये कितने लेवल की है? 85, 85, 85 विल बी ओके फॉर नाउ, ओके 85 विल बी ओके, डैम ओके। तो लेट्स गो इसको पकड़ते हैं हम लोग, और अपने पास ज़्यादा बोलास भी नहीं है, तो या हमको ध्यान से करना होगा काम, बस ये मैं पकड़ लूँ इसको। ओके मैं चूक गया, ओए 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 लग गई भाई, अबे लग गई। ओ भाई साहब क्या है, क्या है भाई यार, इस पे तो लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई, इस पे लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे। लेट्स गो गाइस, तो इसको हमने कर दिया है टेम, मतलब एक तरह से टेम हो ही गई, बस इसमें खाना डाल देंगे खाती रहेगी। या भाई साहब क्या क्या एपिक था भाई शॉट, भाई यार फर्स्ट टाइम मैंने मारा इतना, मुझे नहीं लगा था लग जाएगा, मुझे लगा गया मतलब मिस हो गया मुझे लगा था, लेकिन नहीं
भाई मजा आ गया बिल्कुल भाई, मजा ही आ गया बिल्कुल सही बोलू तो। ओके तो गाइस वेट करते हैं थोड़ा सा, और वहां पे एक ड्रॉप गिर रखा है, जाके उसको ले आता हूँ मैं तब तक। और गाइस एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि मैं एक नया आर्क का ही ठीक है सीरीज लेके आऊंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और तुम में से कईयों ने बोला था मेरे को वो करने के लिए, तो यार बहुत जल्दी आने वाला है। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम लोगों को एक मिशन दिया जाए, ठीक है 500 करवा दो सब्सक्राइबर बस, ठीक है इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 500 भाई 500 करवा दो यार, ज़्यादा दूर नहीं है, 350 तो हम हो ही चुके हैं, और 150 करना है बस तुम लोगों को, और तो जल्दी जल्दी कर दो बस। पता नहीं यार हम 150 कब पहुँचेंगे, पता नहीं यार इतना टाइम हो गया ठीक है, करीब 1 साल होने को आए, हम 350 पे अटके हुए हैं। पर कोई बात नहीं यार, हम करेंगे करते रहेंगे, और एक दिन वी विल अचीव आवर गोल, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। देखो मुझे खेलने से मतलब है और मैं खेल रहा हूँ, अगर भगवान के उसमें होगा तो कर देंगे ठीक है। तो या मैं ये सब नहीं रखता कि आज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टेंशन लेना फालतू का, नहीं भाई तुम लोग आओ एंजॉय करो, मजे करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर कंटेंट अच्छा होगा तो भाई लोग आएंगे जरूर, और कंटेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था दरअसल, अभी तक 30,000 ही लोगों के पास पहुंचा है, तो आई गेस ठीक है धीरे धीरे पहुंचेगा, और नए लोग जुट रहे हैं, 3-4 लोग अभी आए हैं। ओ भाई साहब 95 का ही है, व्हाट द हेल। अभी देखना 2 सेकंड बाद ना इसको मैं पकड़ लूंगा ना तो एक और दिखेगा 150 का। ओके एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स गो गाइस एक और बार ट्राई करते हैं वो जो हमने किया था। आई डोंट थिंक अभी हो पाएगा बट लेट्स गो। ये तो नीचे उतर रहा है, ये तो नीचे ही उतर गया, लेट्स गो लेट्स गो। ये 95 का है तो ये उस वाले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको टेम कर रहा हूँ, और अपने पास पेयर भी हो जाएंगे आई थिंक, ये दोनों मेल ना हो जाए बस। ओके चूक गया मैं, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, चूक गया फिर भी ये गिर गया, बेहोश हो गया। तो लेट्स गो इसको हम कर लेते हैं टेम, और बोला निकाल सकते हैं आई थिंक, यस 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 हम लोग बोला निकाल सकते हैं, तो अपने पास बोला हमारा बर्बाद नहीं होगा। लेट्स गो ये भी, इसको भी टेम होने दो आराम से, इसको भी टेम होने दो, और टेम हो जाता है तब मिलते हैं। ओके गाइस तो ये वाली जो है वो टेम होने वाली है ठीक है, और उस पर मैंने बजा दिया था तो उसका टेमिंग एफिशिएंसी कम हो गया है, तो या बस उसमें मतलब 14 लेवल ही बस इंक्रीज़ होगा, और इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, यानी कि 44 लेवल कुछ नहीं 42 लेवल ठीक है। तो यार वो ज़्यादा अच्छी थी, ये वाला ज़्यादा अच्छी थी इन कंपेरिजन टू दिस। आई थिंक उसका लेवल ना इसका 85 है, उसका 95 था, यस। तो यार क्या ही कर सकते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, मैंने पता नहीं यार मैं उसके बगल में जा रहा था, मैंने मोस्ट से बजा दिया, उसमें पूरा एफिशिएंसी ही कम हो गया उसका। तो ये होने वाली है थोड़ी देर में, और अबे यार मैं फिर फंस गया यहाँ पे, हट जा। दरअसल मुझे दिखाना था ना उधर एक ड्रॉप गिर रखा था, उसमें असेंडेड कुछ पड़ा हुआ था, असेंडेड क्रॉसबो थी आई थिंक उसमें ठीक है। और यार ये पता नहीं क्या होता है भाई, मैं इसमें फंस गया, देखो निकल नहीं पा रहा इसमें से, अब जब तक ये टेम नहीं हो जाएगी तब तक नहीं निकल सकता मैं। ओके गाइस तो फाइनली एक फ्लायर हमारा टेम हो चुका है, इसका नाम हम रखते हैं वो तुम बताना हमको ठीक है, इसका नाम क्या रखे, तब तक इसका नाम टेराडोन ही रहेगा। और जो दूसरा वाला था यार वो भाग गया ठीक है, यहाँ से मैं इसके अंदर फंस गया था और लिटरली वो भाग गया, आई डोंट नो कहाँ चला गया ठीक है। तो उसकी उसकी जान बच गई, लेकिन वैसे भी पकड़ने में कोई फ़ायदा नहीं था उसको, क्योंकि मैंने उसको मार दिया था तो उसके एफिशिएंसी कम हो गई थी। आई थिंक ये वाला है, यही हाँ यही है, इसकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, तो या इसको पकड़ लेते हैं वापस से हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी ये नीचे उतर चुका है, तो लेट्स गो। ओके सबसे पहले इस इनको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, एंड इस पे डालते हैं बोला अपना, और इसको फिर से पकड़ लेते हैं, आई थिंक इस बार ना इसकी एफिशिएंसी जो है वो सही हो जाएगी वापस से, तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमको। इसको मुंह पे मारते हैं एक और ये गया, तो लेट्स गो गाइस। हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं यार होने में ठीक है, कम से कम 1 घंटा ले लिया भाई उसने टेम होने में, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार इनकी टेम करने की, आई थिंक वापस से ना रीसेट हो गई है कम पे। तो यार तब तक ये टेम होता है जब तक हम कुछ करके आते हैं, जैसे कि वहाँ पे ओके वहाँ ड्रॉप गिरा था यार, असेंडेड उसमें चीज़ें थी पर वो ड्रॉप चला गया, ठीक है कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ,
कुछ अच्छा हुआ आज और कुछ बुरा भी हुआ बहुत ज्यादा। यहाँ टेराडोन की सैडल है तो बुरा अच्छा ये हो रहा है कि हमें ओके मैंने इसको शूट नहीं किया ना। ओके नो प्रॉब्लम, तो लेट्स गो, हम इसमें फ्लाई कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं आराम से, तो ये बहुत अच्छा है अपने लिए। और यही चाहिए था क्योंकि हम भाई लिटरली ऊपर से कुछ भी देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कितना दूर है और क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर से, ठीक है। और या सेफली हम जा सकते हैं क्योंकि ओके वो क्या चीज़ है, वो पत्थर है क्या अजीब सा, हाँ पत्थर ही है। ओके तो ये लेवल अप हो चुका है, इसका मैं बढ़ाने वाला हूँ स्टैमिना, क्योंकि स्टैमिना की मैं बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और या और कुछ बढ़ाने लायक तो है नहीं, हेल्थ काफ़ी इसकी डिसेंट है तो ये काफ़ी अच्छा है। वेट बहुत ज़्यादा कम है तो वेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टेमिना हमें चाहिए, इसका बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। ये आरजी है क्या यहाँ पे? ओ व्हाट द हेल, मुझे नहीं पता था यहाँ पे आरजी मिलने वाली है हमें, और वो भी ओ भाई साहब घर के इतने पास में रेक्स है, व्हाट द हेल इज दिस मैप। वो भी कितने लेवल का रेक्स है ये, 95? नहीं भाई 85 लेवल का रेक्स है अपने घर के पास। पास क्या, इतना पास, ओ माय गॉड, ये कार्नोटोसॉरस से लड़ रहा है, बहुत तगड़ा भाई बहुत तगड़ा। और यहाँ पे आरजीज भी है, व्हाट द कूल मैप इट इज। मतलब ऐसा नहीं है क्या इसमें कि मतलब ओके शिट, मैं गया, इसका स्टेमिना खत्म हो गया दरअसल। एंड लेट्स गो डाउन। और ओ भाई साहब बिच्छू महाराज, भाई साहब स्कॉर्पियन था वहाँ, लिटरली स्कॉर्पियन के सामने उतर गया मैं। अरे भैया कहाँ भाई, कहीं भी उतर जा रहा है ये तो, इसमें स्टैमिना ही नहीं है भाई लिटरली। चलो यहाँ पे सही है, यहाँ पे बस आरजीज ना देख ले हमको, वरना ऐसी की तैसी मार देंगी आरजीज। हाँ तो मैप अच्छा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की हमें कमी नहीं होने वाली बिल्कुल भी। और या क्या ही कहें, यहाँ देख रहे हो यहीं पे देखो तुमको ये मिल जाते हैं ऑब्सीडियंस, ये देख रहे हो यहाँ पे कितने ऑब्सीडियन भरे पड़े हैं यहाँ पे, तो लिटरली हमको मेटल ऑब्सीडियन इन सब की कमी होने वाली नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा हमको ना कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि अच्छे डायनासोर्स चाहिए हमको, तो वो कहाँ मिलते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। और फिर से उतर जा रहा है, अबे ये इधर नहीं भाई, इधर स्कॉर्पियन है, नॉट हेयर ब्रो प्लीज, ये उतर जाए, इसी भी उतर जाए, इसी भी उतर जाए, यस कोई डिस्टर्ब ना करे यार, मुझे यहाँ नहीं उतरना था दरअसल। ठीक है थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ उतर जाते हैं हम लोग, यहाँ सेफ रहेंगे हम लोग। यार इसे इसका यार कुछ करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा कम है इसका स्टेमिना। दरअसल मेरा पहला गोल था इस झरने के अंदर जाना और देखना है कि इसमें है क्या चीज़, तो आई गेस कि हम जा सके इस झरने के अंदर, पानी से मतलब खतरा ना हो, मतलब उतर ना जाए हम, क्योंकि तो पानी में हम पता नहीं क्यों उतर जाते हैं अपने फ्लायर से। तो यहाँ भी पानी है तो लेट्स गो, लेट्स अंदर। ओ ये वी आर इन गाइस, वी आर इन, ओ लेट्स सी व्हाट इज हेयर। ओके यहाँ बिल्ड तो कर सकते हैं, ये तो है, यहाँ बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी जगह है लेकिन ऊंचाई पे है थोड़ी। और इतना ही है बस, ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे मुझे लगा था कि थोड़ा बड़ा होगा, बट नहीं, नहीं ये बेकार जगह, बेकार जगह है बिल्कुल, घटिया जगह है, खाली मतलब सीक्रेट लोकेशन है झरने के अंदर वो भी। तो मतलब जैसे वो होते हैं ना ऑनलाइन वाले गेम्स, ऑनलाइन वाले आर्क, उसमें हम यहाँ पे बना सकते हैं कुछ, लेकिन आई डोंट थिंक हम उसको जल्दी अभी खेलने वाले हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा ऑनलाइन खेलने में या फिर सर्वर्स में खेलने में, क्योंकि वी डोंट हैव सर्वर। तो लेट्स गो, इधर से निकलते हैं, कुछ खास नहीं था यार ये, मुझे लगा अंदर भाई इतनी सारी जगह होगी लेकिन नहीं, इतनी छोटी जगह थी। तो ओके गाइज यहाँ से मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, और जो तुमने पहले देखा ना वो प्री रिकॉर्डेड था मेरा लैपटॉप ख़राब होने से पहले का। बाद जब रिपेयर होके आया तो मुझे पता लगा कि उसमें जो
जितना भी हमने गेम खेला था ना तब तक, वो सब चला गया है, ठीक है, मतलब वो सेव नहीं हो पाया था। तो लेट्स गो, हम कंटिन्यू करते हैं। और मैंने काफ़ी काम कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम देख सकते हो एक टेराडॉन पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक और टेराडॉन नहीं है, यहाँ दो टेराडॉन है। तो ये मेरे को मिल गए थे अच्छे खासे लेवल के, ठीक है, ये 214 लेवल का हो चुका है और ये 201 लेवल का हो चुका है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, 205 लेवल का आई थिंक। लेकिन 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 इन दोनों को मैंने रखा है यहाँ अंदर इसलिए क्योंकि ये मेटिंग पेयर के लिए सबसे बढ़िया है। इसका स्टैमिना बिना किसी पॉइंट डाले 39 लेवल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और इसका जो है 32 है, और इसका हेल्थ आई थिंक ओके, जो भी है इन दोनों का मतलब स्टैमिना और बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, और इस वाले का उतना बढ़िया नहीं है। मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, इसका देखो 36 आई थिंक, 36 तो इससे ज़्यादा हुआ ना, नहीं इसका 39 है। हाँ इसकी हेल्थ ज़्यादा है थोड़ी, इन सबसे हेल्थ इसकी ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि यार इसको और इसको जो है हम मेट करवा सकते हैं, है ना, तब जाके कुछ अच्छा ही सही मतलब हो जाएगा बेबी इनका। तो आई गेस हेल्थ मैं इसका ले सकता हूँ 205 लेवल वाले का, और स्टेमिना मैं इसका ले सकता हूँ 39। तो एक बहुत ही ज़्यादा और बढ़िया ऑफस्प्रिंग मेरे को मिल जाएगा टेराडॉन का, और आई थिंक इस वाले मैप में टेराडॉन हमको ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, इवन मोर यूज़फुल देन अर्जेंट डेविस, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो लेट्स गो, वैसे देखते हैं। ओके गाइस, तो हम राइड करने वाले इस वाले को, क्योंकि ये वाला जो है ना भले ये मतलब अच्छे मतलब लेवल की हो चुकी है, लेकिन लेकिन ये उतनी बढ़िया नहीं है जितने ये दोनों हैं। तो मैं इन दोनों को ही मतलब टेम मैं इन दोनों को ही करवाऊंगा मीटिंग, ठीक है, अगर हमको करवाना हो इन केस हमारा टेराडॉन मर गया तो। ओके तो लेट्स गो, इसको अंदर रख देते हैं ताकि ये सेफ रहें यहाँ पे। और या मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी, मैं जैसे तुमको दिखा देता हूँ, मैं गया था वहाँ पे जहाँ डब्बे होते हैं ना, वहाँ गया था मैं। तो ये सब चीज़ें भाई देख लो, इतना भर भर के मिला था, दो चार बार मैं चला गया। और हाँ मुझे ये सब चीज़ें मिली थी, मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये सब चीज़ें ना वो जो डब्बे होते हैं ना, क्रेट छोटे वाले बीच पे बिखरे होते हैं, उनमें से मिला था ये सब। तो तीन चार बार मैं गया था वहाँ पे, ठीक है, ले आया मैं बहुत सारे जुटा के ये सब। तो या ये हमको ना हेल्प करेंगे, मेटल का भी यूज़ नहीं होगा हमारा। और ये सब असेंडेड वाले तुम देख रहे हो ना, ये मुझे मिले थे ड्रॉप्स से, जो कि मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट किए हैं ड्रॉप्स, और बहुत सारा काम किया है मैंने बाकी भी, लेकिन वो बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। लेट्स गो यार, अब एक्सप्लोर करने चलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यार क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं देखना चाहता हूँ ना कि हमको ड्रैगन्स कहाँ मिलते हैं। लेकिन मैं भारी हो रहा हूँ, आई डोंट नो वाई, मैंने ऐसा क्या रखा भाई अपनी इन्वेंट्री में कि इतना भारी हो रहा है इसका वेट। ठीक है, जो भी है निकाल देते हैं, उतार देते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे। लेट्स गो, इसके अंदर ही रख देता हूँ मैं। अच्छा लकड़ी वकड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है। तो या लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या ढूंढ सकते हैं। यार क्या हो रहा है भाई इतना भारी? ओके भाई साहब, इतना सारा मीट, इतना सारा मीट कम क्या करेंगे भाई। ओके यार, इसका वेट ना बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, इसका वेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। तो मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा ना लेवल अप करके मिलता हूँ। ओके गाइस लेट्स गो, इसका वेट ना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो लेट्स गो, मैं इधर जाने वाला हूँ पहले, और देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम आज। और या ज़्यादा काम नहीं करने वाले हैं हम इस वाले एपिसोड में, इस वाले में भी ऑब्जर्व करने वाले हैं। और या जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि यार मैंने प्राइमल फियर स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बाद वहीं समझ लो कि उसी का वीडियो आने वाला है अगला वाला भी। तो या उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ना कोई आते रहेगा। ओके यार भाई, अर्जेंट एविस है यहाँ पे, इसको यार टेम करूँगा मैं। कितने लेवल की है? मेरे घर के बहुत पास है भाई। ओके 60 लेवल की, और मैंने देखे हैं उधर भी मतलब अर्जेंट एविस कई सारे हैं, तो यार हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अर्जेंट एविस के लिए। और ये तो भाई बिल्कुल ही पास में है, ये 60 लेवल की है, तो ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल की मैंने देख रखी है, तो उन्हीं को पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको मार मार देंगे जो भी है। क्योंकि यार मतलब कम लेवल के पकड़ के करूँगा क्या मैं, कम लेवल के स्टेट्स बहुत ज़्यादा बेकार होंगे। तो लेट्स गो, इधर चल रहा हूँ मैं, और देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिला तो मैं तुमको वापस से रिपोर्ट करता हूँ, वरना हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक तो कुछ अच्छा नहीं मिलता हम लोगों को। ओके गाइज, ये वैली वाली जगह जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ी लगती है, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले भी। तो ना यहाँ पे मतलब बेस अपना बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ पे मतलब कुछ स्पॉन नहीं करता है, ठीक है, इतना मतलब ऊपर ऊपर है। लेकिन यार यहाँ पे पता है फ्लायर्स ही जा सकते हैं, और या लैंड एनिमल्स को लाने के लिए पुल बने हुए हैं, लेकिन यार पुल का इस्तेमाल ना उतना मतलब मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्योंकि घूम फिर के आना पड़ेगा फिर, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे तो भाई कभी बनाएंगे ही नहीं हम,
मतलब सोच भी नहीं सकते भाई यहाँ पे बनाने का। और इधर पता नहीं बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, तो इधर मैं नहीं कभी आया आई गेस, तो इधर चल के देख लेते हैं जरा कि क्या है। ओ ओके गाइस, ये तो रैग्नारॉक का स्वैम्प है भाई साहब, यहाँ देख रहे हो भाई क्या स्वैम्प भाई, मस्त एकदम द आइलैंड वाला स्वैम्प भाई, पेड़ों से घिरा पड़ा था ये एकदम भाई, साफ स्वैम्प है बिल्कुल, हर चीज यहाँ नजर आ रही है। और भाई मैं दूर रहूंगा क्योंकि अगर मैं गलती से भी यहाँ लैंड हुआ ना भाई, इतनी सारी चीजें कूदने वाली है मेरे ऊपर कि मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे यहाँ पे क्रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, शार्को वार्को, ये 150 लेवल का था, नहीं 130 लेवल का शार्को है, और यहाँ कैप्रोसुकस तो होंगे ही भाई, कैप्रोसुकस ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। तो लेट्स गो, यहाँ से दूर रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अवॉर्डिंग जगह भी है, बिकॉज सार्को है यहाँ पे। सार्को भाई वन ऑफ द बेस्ट टेम होते हैं, ठीक है, पानी पे भी और लैंड में भी, तो या मल्टीपर्पज टेम कह सकते हो, टेम तो बेस्ट होते हैं। तो मैं आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ, देखते हैं कि आगे हमको क्या मिलेगा। और वहाँ पे ब्लू वाला ऑब्लिस्क है, तो वहाँ पे भी देख के चलेंगे हम लोग क्या है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं चलते हैं, कुछ मिलेगा तो बताऊंगा मैं तुम लोगों को वापस से। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कहीं, और ये वाले पेड़ जो है ना भाई, मेरे को रेडवुड जंगल की वाइब दे रहे हैं तो मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे कि कहीं थाइला ना कूद पड़े मेरे ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे उड़ रहा हूँ अभी, और मेरे पास स्टेमिना भी मतलब इतना कम है ना कि बार बार उतरना पड़ रहा है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ तो हमें मतलब हासिल करना ही पड़ेगा आज, यानी कि कम से कम अच्छा एक्सप्लोर करके कुछ ना कुछ हम अच्छा सा ढूंढ ले, बस यही मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा हुआ है, और इसमें असेंडेड है कुछ, असेंडेड स्टेगो सेडल पेलो गॉर्निस सेडल, ओके, तो आई गेस कि हमको यूज़ आ जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पे कुछ खतरनाक ना हो। लेट्स गो, ओके लेट्स गो, टेक दिस एंड सिट ऑन आवर ट्रेड ऑन एंड लेट्स फ्लाई। ओके लेट्स सिट एक्चुअली, बिकॉज स्टेमिना बहुत कम है। ओके गाइस, ये जगह देखो भाई साहब, क्या तगड़ी जगह मिली है मेरे को, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो भाई, एक मतलब आर्च टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, एक बीच है बड़ा सा, और लिटरली आर्च बना हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है यार ये, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, एलोसॉरस है यहाँ पे, ओ भाई साहब। और फर्स्ट कांटेक्ट विथ रैप्टर, माय फर्स्ट कांटेक्ट विथ रैप्टर्स, यहाँ रैप्टर्स है, और अर्जेंटिविस है क्या, नहीं भाई साहब यहाँ रैप्टर्स हैं और एलोसॉरस है, तो थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पे जल्दी से, और निकलेंगे फिर यहाँ पे, बस कोई भाग के मेरी तरफ ना आए। वो भाई रैप्टर चिरांद है ना, देख देख ही लेंगे, देखना दौड़ दौड़ के कैसे आएंगे, जैसे ही एक ने डिटेक्ट किया ना मेरे को भाई साहब, सब भागते भागते आएंगे। ओके चलो, मेरा फिल हो गया है स्टेमिना मीटर, तो लेट्स गो भाई साहब। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा जगह है ये, और ऐसी जगह पे ना मैं बनाना चाहता हूँ भाई, क्या मस्त बीच है भाई ये, क्या मस्त बीच है। तो इस वाले बीच को कितना रेटिंग दोगे तुम 10 में से, बताना मेरे को भाई साहब, बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा एकदम भाई, आर्च शेप में देख सकते हो तुम लोग, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है भाई मेरे को। तो इस जगह पे हम बना सकते हैं बेस, मतलब पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मतलब खतरनाक जानवर हैं, एलोसॉरस दिखाई दिया था, रैप्टर दिखाई दिया था मेरे को, लेकिन जो भी आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे, अगर कुछ मिलेगा तो मैं तुमको फिर से बताऊंगा। ओके गाइस, क्या वो डेजर्ट बायोम है वहाँ पे, बिकॉज आई थिंक वो डेजर्ट बायोम है, तो लेट्स गो डेजर्ट बायोम विजिट करते हैं, क्योंकि मैं एक भी बार डेजर्ट बायोम में नहीं आया हूँ अभी तक, तो मैं देखना चाहता हूँ कि डेजर्ट बायोम में कैसे कैसे जानवर मिलते हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे स्क्रॉच्ड अर्थ वाले मिलते होंगे, है ना, क्योंकि स्क्रॉच्ड अर्थ जहाँ तक मुझे पता है वो एक बड़ा सा डेजर्ट मैप है। तो लेट्स गो यहाँ पे चलते हैं एक बार, और देखेंगे कि क्या मिलता है यहाँ पे भाई, क्या क्या चीज़ें हैं, बस मेरा स्टेमिना ना ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं स्लो स्लो उठने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक मुझे आइलैंड टू आइलैंड जाना चाहिए था, लेकिन मैं गलत आ गया, मतलब वो छोटा सा आइलैंड है ना, वहाँ से जाना चाहिए था, उस पर होके और फिर वहाँ पे पहुँचता मैं, लेकिन आई गेस हम पहुँच जाएंगे, बस यार कोई हमारा वेट ना कर रहा हो मैं मारने के लिए, बस इतना मतलब ध्यान रखना पड़ेगा हमको।
तो लेट्स गो स्लो स्लो उड़ के मैं जा रहा हूँ, और फिर जब पहुंच जाएंगे वहां मिलेंगे फिर। ओके लेट्स गो गाइस, हम यहाँ पे उतर चुके हैं और यहाँ पे हम लैंड कर जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देख लेते हैं कि कोई आसपास डेंजरस चीज़ तो नहीं है। नहीं है यार, कोई डेंजरस चीज़ क्यों होगी यहाँ पे। तो लेट्स गो, लेट्स सी कि व्हाट इज हेयर, व्हाट कैन बी फाउंड हेयर। ट्रॉपिकल सा जंगल लग रहा है यहाँ पे, है ना, जो कि मतलब अच्छी जगहों पे होता है, बीचेस बीचेस पे। ओए भाई साहब, घोड़े घोड़े हैं, जेब्रा जेब्रा भाई, बिल्कुल 145 लेवल का। ओ नाइस मैन। और एक नहीं है भाई, खूब सारे हैं यहाँ, शेबर टूथ भाई। ओ भाई साहब, जेब्रा और शेबर टूथ एक साथ, मतलब बात हजम नहीं हो रही भाई, लिटरली बात हजम नहीं हो रही भाई। जेब्रा और शेबर टूथ एक साथ कैसे हो सकते हैं? ओके, तो मतलब हवाई हवाई टाइप का वाइब दे रहा है यहाँ पे। या मतलब अच्छा अच्छा जगह है एकदम, लेकिन शेबर टूथ वेबर टूथ होता है इधर। ओए ये तो मेरे घर के आसपास ही मिलते हैं यार, डोडीक्यूस की मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, बहुत सारे डोडीक्यूस हैं मेरे घर के आसपास, मैंने दो चार देखे हैं। हाँ इस बार भाई मैं ये कंगारू करने वाला हूँ भाई, लास्ट टाइम मैंने कंगारू नहीं किया था टेम, मैं कंगारू करने वाला हूँ भाई टेम। इनका असली नाम है वैसे प्रोसेपटेटोन, प्रोसोपटेटोन, पता नहीं क्या नाम है भाई इसका, बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इनको भी टेम करेंगे। और या कुछ और खास तो नहीं दिख रहा यहाँ पे मेरे को, ये क्या चीज है? ओके मॉइस्चर वॉइस्चर भी है इधर, तो यार कुछ खास तो नहीं है इधर। और ओए ओए, ये चिरांत का बच्चा भाई साहब लूट रहा था मेरे को, लुटेरा कहीं का चोर। वो देखो भाई साहब, देख रहे हो कितनी तेज भाग के आ रहा है, कितनी तेज भाग के आ रहा है भाई चुराने के लिए। इसकी मेरा हो चुका है कंप्लीट, लेट्स गो निकलते हैं यहाँ से। और ये डेजर्ट नहीं है बायोम, ये ऐसे आइलैंड, ट्रॉपिकल आइलैंड टाइप के हैं कुछ, तो डेजर्ट आई थिंक कहीं और है। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं असली जो डेजर्ट वाला बायोम है ना उसके पास, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे है वो सामने मेरे बिल्कुल। तो ये है भाई असली डेजर्ट बायोम, जो कि मतलब एकदम ह्यूज है, या इट लुक्स ह्यूज। और ये थोड़ा उतरते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं कि आगे चल के क्या मिलता है हमको। तो ये है अपना डेजर्ट बायोम जहाँ पे हम आ चुके हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के आराम कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें को यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। बिकॉज मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब रेयर एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे, जो कि मतलब हमने अभी तक नहीं देखे हैं, मतलब एबरेशन वाले एनिमल मिलते हैं, और मैंने एबरेशन खेला नहीं है तो मेरे को पता नहीं है कि एबरेशन में क्या क्या एनिमल होते हैं। तो लेट्स गो, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे वो सारे एनिमल्स जो भी एबरेशन में हमको मिलते हैं। तो लेट्स गो, अभी तक तो कोई मतलब स्पेशल कुछ नहीं मिला हमको देखने को। ओके यहाँ बैठते हैं जरा, देखते हैं। ओके वहाँ टेरर बर्ड एक मेरे को दिखाई दी, ये तो यार मिलते ही थे हमारे पे। तो बड़ा ही शांत एरिया है भाई, ये बहुत ही शांत एरिया है। ओके ओके शिट, माइक्रो रैप्टर, शिट 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 शिट, माइक्रो रैप्टर से दूर भाई, क्योंकि जहां ये उड़ा ना हमें उड़ा देगा अपने टेम से भाई, इससे बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ता है भाई। माइक्रो रैप्टर देखने में छोटे छोटे होते हैं भाई, बहुत तंग कर देते हैं। और वहां पे पता है एक वो भी है, टेरर बर्ड है भाई, जैसे ही मैं उतरा ना यहाँ से इस पे से भाई, टेरर बर्ड ने खत्म कर देना है मेरे को भाई, सोचेगी नहीं वो 2 मिनट भी, ठीक है ना, और खत्म। मैं तो इससे दूर रहते हैं उससे, और ये भी जो भी चीजें हैं यहाँ पे उनसे भी। यार इसका पता है स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, हॉरिबल है भाई इसका स्टैमिना। ओ भाई साहब, कितने कितने सारे यहाँ पे हैं रैप्टर्स, ये जो भी हैं माइक्रो रैप्टर। यहाँ पे कुछ दिखा मेरे को नया, ये क्या चीज़ है? ये है मोरेला, मोरेला टॉप्स। ओके ये बड़ा सा चूहा है, वैसा ही लग रहा है मेरे को, बड़ा सा चूहा, लेकिन ओ भाई साहब धम 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 करके चल रहा है ये तो। ओके यहाँ पे माइक्रो रैप्टर्स ना हो भाई काश, ठीक है। ये अजीब सा जानवर है, आई डोंट नो कि ये मतलब मारता है कि नहीं मारता है, लेकिन मैं दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि भयानक लग रहा है भाई मेरे को।
और भाई मैं लिटरली कोई रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पे, एक रिस्क और फिर मैं गया, ठीक है बस यही है। ओके वहाँ पे कुछ है क्या? ये भी मुरैना टॉप से, या ये भी मुरैना टॉप से, ठीक है। तो एक तो नया जानवर हमको दिखा यहाँ पे, मोरेला टॉप्स आई डोंट नो कि क्या करते हैं, कोई आइडिया नहीं मेरे को, ठीक है। यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं लैंड हो चुका था और मुझे देखो कुछ और नया दिखाई दिया यहाँ पे, जैसे कि ये वाले हैं, ठीक है। मुझे लगा था डोडी डोडिकियस है ये, लेकिन नहीं, ये कुछ अलग ही है भाई। ये है तुम्हारे थॉर्नी ड्रैगन्स। ओके तो ये 100 लेवल का है वो तेरी, और ओके ये अच्छा, ये तो डेडन है, ठीक है। ये थॉर्नी ड्रैगन्स पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन छिपकली से कुछ लग रहे हैं मेरे को ये, पता नहीं यार। ठीक है इनको कभी पकड़ेंगे यार हम लोग? अभी तो नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इससे टेम नहीं है। दरअसल ना हमारे पास लैंड एनिमल कोई नहीं है जिससे हम रोम कर सकें इस पूरे अच्छे एरिया को, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, लिटरली मैं जल रहा हूँ। ओके तो आई डोंट थिंक कि और ज़्यादा कुछ होगा। ये क्या चीज़ है? ये है तुम्हारा एक कोई फ्लाइंग कुछ है, तितली तितली है, यस बटरफ्लाई है वे, लिमेनिया लिमेनिया कुछ करके है इसका नाम। ओके भाई साहब यहाँ पे डेडन वेडन सब है, और ये देखो डोडिकियस पे अटैक कर रहा है वो बेचारा। ओके लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। लिमेंटिया लिमेंटिया पता नहीं क्या होती है, लिमेंचिया लिमेंटिया पता नहीं क्या पढ़ते हैं उसको, आई डोंट नो। ओके बहुत सारे डेडन्स हैं यहाँ पे भाई, बहुत सारे डेडन्स हैं। वुल्फ वुल्फ भी है तेरी, ठीक है। वैसे वुल्फ का काम होता है नोट्स खोजना, जो नोट्स होते हैं ना वो खोजना काम होता है उसका, लेकिन इस वाले मैप में नोट्स है ही नहीं, तो पता नहीं पता नहीं क्या ही खोजेगा वो, ठीक है। लेट्स गो यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई साहब, ओए अभी ये क्या है? अभी ये पत्थर ट्रांसफॉर्म होके ये क्या बन गया भाई? ओ भाई साहब ये क्या चीज थी? ओ माय गॉड, मैं उसके बगल से उड़ा भाई, वो पत्थर ट्रांसफॉर्म हो गया और पता नहीं क्या बन गया। ओके कहाँ गया वो? ओके ये रहा देखो, रॉक एलिमेंटल, ये वाला पत्थर है पीले कलर का, ये देखो इसके पास जाऊंगा ना मैं, देखना ट्रांसफॉर्म हो जाए। ओ देखो भाई साहब ये रॉक मैन बन जाता है भाई। ओ माय गॉड भाई ये क्या है, रॉक एलिमेंटल। ओए भाई साहब मार, पत्थर मार रहा है, भैंस की पत्थरबाज है क्या ये भाई साहब? पत्थर मार रहा है लिटरली। ओके 15 लेवल 15 का है ये, और रॉक एलिमेंटल नाम है इसका, 396 पॉइंट, ठीक है भाई साहब। देखो वापस पत्थर बन गया ये, सही है भाई ये। ओके इसका टेम कर सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल से, सल्फर से, क्ले से और स्टोन से। वो भाई साहब क्या स्टोन स्टोन खाता ही है। ओके कोई बात नहीं, देखेंगे कभी यार। वैसे अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम यूनिक टाइप का है एकदम भाई, पत्थर एकदम ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है लिटरली, ठीक है। इधर उड़ते हैं, देखते हैं कि और क्या हमको मिलने वाला है। वैसे बहुत अच्छा मुझे लगा डेजर्ट बायोम में आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें यहाँ पे थी, और लिटरली ऐसी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। ओके गाइस क्या वो ड्रैगन है? ओ भैंस की भागो इधर से। ओ माय गॉड गाइस आई हैव डिटेक्टेड अ ड्रैगन, फर्स्ट कांटेक्ट विद ड्रैगन। ओ माय गॉड ये है फायर वेवरेन, ये है लेवल 20 का फायर वेवरेन। ओ भाई साहब क्या फायर बूस्ट मार रहा है वहाँ पे, किसी के साथ लड़ रहा है ये, आई थिंक रैप्टर्स है, छोटे मोटे रैप्टर्स हैं, उनके साथ लड़ाई कर रहा है ये, नहीं का केंटासोरस है उसके साथ लड़ाई कर रहा है। ओ भाई साहब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन यार इसको कैसे पकड़ूं मैं, ये बताना मेरे को तुम लोग जरा, ठीक है। मुझे नहीं कोई आइडिया कि इसको कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूँ वेवरन के बारे में, वेवरन या हम, अगर तुम लोग मेरे को बताओगे ना कैसे पकड़ते हैं यहाँ पे भी। ओके यहाँ पे भी एक फायर वेवरन है, 85 लेवल। ओ भाई साहब इसको पकड़ लेंगे तो यार क्या ही मजा आ जाएगा भाई, देखो आग फेंक रहा है बिल्कुल। ओ माय गॉड यार क्या जानवर है भाई ये, क्या डाइनोस है। अगर भाई इनको पकड़ लेंगे ना भाई, अर्जेंटेविस की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। वो देखो अर्जेंटेविस से लड़ रहा है भाई, अर्जेंटेविस तो गई, अर्जेंटेविस का भाई कोई टिकना चांस ही नहीं बनता, नॉट अ चांस। ये देखो कार्नो वार्नो है भाई यहाँ पे, भैंस की कार्नो वार्नो को जला के राख कर देगा ये। ओके
ओ भाई साहब क्या सही जगह है भाई। यहाँ पे दो हमको मिल गए। ओए भाई साहब, ओए नहीं, ओए भाई, ओ भैंस की, गया मैं, शिट, ओए मैं गया। ओ भाई साहब, शिट, ओए भैंस के पीछे ही है, पीछे ही है, पीछे है भैंस की। ओ बच गया भाई, बच गया भाई साहब, वो मेरे पीछे लग गया था, मैं गया भाई, मुझे लगा 2 सेकंड के लिए मैं गया। ओ तेरी, वो तो अच्छा हुआ वहां पे मेरी जगह लेने के लिए वो थे, स्टेगोसोरस, बेचारों को बलिदान कर दिया मैंने भाई साहब। आज मेरे मरने वाला था घटिया तरीके से। ओके यार, रेक्स भी है 50 लेवल का, निकलते हैं इधर से भाई, इधर रहना ही नहीं है अपने को, इधर रहना ही नहीं है भाई साहब, सबसे खतरनाक जगह है ये। ओह भाई, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ रही है ना। ओह भाई, एकदम एकदम मस्त एनकाउंटर था, एकदम पीछे आ गया भाई, बहुत तेज फ्लाई कर रहा है भाई, बहुत तेज फ्लाई कर रहा है भाई। मेरे को चाहिए, लेकिन यार इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में आएंगे ना तो पक्का भाई मैं फायर वेवरन या फिर जो भी वेवरन है उनको टेम करने वाला हूँ। ओके, कौन वहां पे पिंक वेवरन है? ये वाला पिंक वाला हमने नहीं देखा ना, ये है तुम्हारा, ये पॉइजन वेवरेन है। यस, तो इनको भाई टेम करने वाले हैं हम अगले एपिसोड में, ठीक है? तो होप यार तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगले एपिसोड में तो आना ही आना, क्योंकि अगले एपिसोड में भाई हम जा रहे हैं टेम करने वेवरेन, बिकॉज आई लव दिस वर्ड्स। भाई इतना फास्ट भाई मेरे पीछे आया ना वो, मुझे लिटरली पता नहीं था इतना फास्ट होता है। तो लेट्स गो यार, अगले एपिसोड में पक्का पकड़ने वाला हूँ कुछ भी करके, ठीक है? और या हम आरजी इसको बाद में पकड़ेंगे, हम इसको पहले पकड़ेंगे कुछ भी करके भाई। तो चलो यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।